वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे तो गए जैसा कि आप सब जानते हैं कि पी 151 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट 6 नवंबर 2022 है यानी कि दो या तीन दिन आपके पास रह गए रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई इशू आता है तो आप हमारे चैनल पर हमने रजिस्ट्रेशन की एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल के साथ आपको तमाम प्रोसीजर बताया हुआ है ए टू जी आप वो वीडियो देख सकते हैं इंशाल्लाह आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इसके अलावा हमने प्रिपरेशन के हवाले से भी काफ़ी वीडियोस बना ली है हमने तकरीबन हर एक पोर्शन को कवर कर लिया है जिसमें जनरल नॉलेज पाक स्टडी इस्लामिक स्टडी इंग्लिश और दीगर पोर्शन शामिल है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप हाँ चैनल पर जाकर देख सकते हैं वन फिफ्टी लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन भी हमने कंप्लीट कराई थी जिसमें इंटरव्यू वगैरह तमाम वीडियोस शामिल हैं तो आप वन फिफ्टी लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं इन वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी हो इसके अलावा जो हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फेसबुक पर कुछ इश्यूज़ की वजह से कुछ वीडियोज़ को अपलोड नहीं किया जाता और हमारी जो तमाम वीडियोज़ होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड होती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट हैं कि काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ़ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे तो गैस चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडीज़ इस्लामियात और जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट एम्सिक्यूज़ को तो गाइस एमसीक्यूज हम मिक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने हर एक पोर्शन की अलग अलग से प्रिपरेशन कराई ली है तो अब हमारी ये कोशिश होगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वो आप सबके साथ शेयर किए जाए और आप लोगों को आ, हर एक एमसीक्यूज के बारे में बता दिया जाए ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई कन्फ्यूज़न ना आए और कोई मसला भी ना आए तो गाइज आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना ताकि आपका कोई भी एम मिस ना हो तो क्वेश्चन नंबर वन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था आंसर है वेरिन क्वेश्चन नंबर टू है लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल और वाइस कौन था आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन क्वेश्चन नंबर थ्री है आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम आंसर है नेपच्यून क्वेश्चन नंबर फोर है मेजर इवेंट ऑफ सिक्स ट्वेंटी टू ए डी आंसर है माइग्रेशन टू मक्का इसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर तो सिक्स ट्वेंटी टू ए डी का मेजर इवेंट कौन सा था तो इसको हमारी जो माइग्रेशन टू मदीना हुआ था क्वेश्चन नंबर फाइव है एल ए सी स्टैंड फॉर आंसर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एल ओ सी स्टैंड फॉर आंसर है लाइन ऑफ कंट्रोल तो इन दोनों में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना एल ए सी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल ओ सी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन नंबर सेवन है इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर फर्स्ट इन डैश इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को जब टेस्ट किया था तो उसकी डेट पूछी गई है तो आंसर है 1974 और अगर आपसे मंथ पूछा जाए तो वो है मई यानी कि मई 1974। क्वेश्चन नंबर एट है कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिस डैश आंसर है ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन नंबर नाइन है हजरत हमजा आंसर है वह बिन हर्ब क्वेश्चन नंबर टेन है इन विच गजवा अबू जहल किल्ड अबू जहल किस गजवा में मारा गया था आंसर है गजबे बदर क्वेश्चन नंबर एलेवन है इन गज़ब बदर हु वॉज लीडर ऑफ कुफार गजब बदर में कुफार का लीडर कौन था आंसर है अबू जहल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इन गजवे, गजवे बदर में मुसलमानों का जो लीडर था वो कौन था आंसर है हजरत हमजा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वन माइल इज इक्वल टू वन माइल कितने के इक्वल होता है यानी कि कितने किलोमीटर्स की इक्वल होता है आंसर है वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर्स और अगर आपसे मीटर्स में पूछा जाए तो सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है डायमर बाशा डैम इज ऑन विच रिवर आंसर है इंडस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच सी सेपरेट इटल्ट एंड ग्रीस कौन सी सी है जो इटल्ट और ग्रीस को सेपरेट करती है आंसर है आइनियन सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है ओ आई सी पॉम्ड इन OIC कब बनी थी आंसर है नाइनटीन सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर 17 है हिलापत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर डैश आंसर है प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग कैलिपेट एंड सेक्रेट प्लेसेस क्वेश्चन नंबर एटीन है फर्स्ट न्यूक्लियर कंट्री आंसर है पाकिस्तान तो ये इस्लामिक न्यूक्लियर का अगर इस्लामिक कंट्रीज में आपसे आप पूछा जाए कि फर्स्ट न्यूक्लियर कंट्री कौन सी है तो वो है पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हाउ मैनी फराइज इन वजू वजू में कितने फराइज हैं? आंसर है क्वेश्चन नंबर है, हाउ मैनी फराइज इन गुसल गुसल की कितने फराइज है आंसर है थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है बदर मीन बदर की मानी क्या है आंसर है फुल मून काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है प्रीवियस कोर्सेज में काफी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है करबला इंसिडेंट टुक प्लेस इन वाकई करबला कब हुआ था आंसर है इकसठ हिजरी यानी कि हिजरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बाय काबा को दोबारा किसने तामीर किया था आंसर है हजरत इब्राहिम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हाइस्ट पास ऑफ पाकिस्तान आंसर है पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है शाहजहां मॉस्क इज इन डैश आंसर है सिंध क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर इज इन डैश नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाह है आंसर है इस्लामाबाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है क्रिप्स मिशन ईयर क्रिप्स मिशन किस साल में हुई थी आंसर है 1942 ये क्वेश्चन आप इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन डैश आंसर है 1942 क्वेश्चन नंबर 28 है कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन यूक्रेन की कैपिटल सिटी कौन सी है आंसर है कीव क्वेश्चन नंबर 29 है लेंथ ऑफ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ कितनी है आंसर है नाइन जीरो नाइन किलोमीटर्स तो गाइज़ ये जो तमाम एम सी क्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एम सी क्यूज़ है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी एम सी क्यूज़ मिस ना हो आपसे क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि आपका हर मुमकिन एम सी क्यूज़ आपको कराया जाए ताकि टेस्ट में जाकर आपको कोई इशू ना हो और आप आसानी से टेस्ट क्लियर कर सके इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक भी आप हमें बता सकते हैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी तो क्वेश्चन नंबर थर्टी है बादशाह ही मौस इज इन डैश बादशाह मॉस्क कहा पर क्या है आंसर है लाहौर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है करेंसी ऑफ अर्मेनिया अर्मेनिया की करेंसी क्या है आंसर है द्राम क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है एफ यू एन ए इज कॉल्ड डैश आंसर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है तो ये ऊपर जो क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट वाला ये मैथ्स के पोर्शन में से आता है मैथ्स के तीन या चार क्वेश्चन रिपीट होते हैं टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं आता है जो ज़्यादा पोर्शन आता है वो जनरल नॉलेज का होता है पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी का ये तीन मेन पोर्शन है अगर ये तीन पोर्शन आपको आते हैं तो आप अपना टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं इसके अलावा इंग्लिश के पोर्शन से भी प्रपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस कम्प्लीशन सिनोनैम्स एंटोनेम्स इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप जाकर देख सकते हैं इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है हंजरे पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद डैश हंजरे पास पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करता है आंसर है चाइना क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है तोहहीद इज़ द डैश पिलर ऑफ इस्लाम आंसर है फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इसी तरह आपसे सेकंड फिलर थर्ड फिलर फोर्थ और फिफ्थ ये भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे और इस्लामिया के पोर्शन की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ये तमाम चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की थी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी वो वीडियो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है टापी गैस पाइपलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम डैश आंसर है तुर्कमेनिस्तान तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए या आप लोग को लगता है कि किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है और मुश्किल आ सकती है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग के हर एक जो भी आप लोग को जिस बारे में कन्फ्यूजन है वो सब चीज़ें आपकी क्लियर कराई जाए इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी चैनल पर हम कराएंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे तो गायज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके तो गायज़ आज की वीडियो पर एंड करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू गायज़